तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंतजार कराने के बावजूद फाइनली अपने इंडिया सर्वर में बहुत ही जल्द कोबरा एम्पी 40 रिटर्न आने वाली है, जिसको लेकर आप में से बहुत बंदे कमेंट्स कर रहे थे कि यार इतना ज़्यादा इंतजार करा लिया, लेकिन अभी तक कोबरा एम्पी 40 रिटर्न नहीं आई है। तो गाइस आपको बता दूँ, जल्दी ही अपने इंडिया सर्वर में कोबरा एम्पी 40 रिटर्न आने वाली है, जिसकी 100% कन्फर्म रिटर्न डेट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइस कल 1 सितंबर को अपने मैजिक क्यूब स्टोर सेक्शन में 8 बंडल ऐड होने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एंड साथ में गाइस बहुत बंदे ये भी कह रहे थे कि अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा होगा, क्योंकि बहुत बंदों का कन्फ्यूजन है कहीं अपना कोई रेयर इंक्यूबेटर तो रिटर्न नहीं आ रहा है या कोई नया इंक्यूबेटर आएगा। तो गाइस इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा होगा, नया इंक्यूबेटर आएगा या कोई पुराना इंक्यूबेटर रिटर्न आने वाला है। एंड साथ में आपका नेक्स्ट वीपन रॉयल में कौन सी गन स्किन होगी, नेक्स्ट डायमंड रॉयल में कौन सा बंडल आने वाला है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को बस पूरा देखना है। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस यार सबसे पहले आपको बताया तो अपने इंडिया सर्वर में नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा आने वाला है, क्योंकि फिलहाल जो इंक्यूबेटर चल रहा है वो यार एक बंडल का है, जो कि 10 या 11 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। और भाई बंडल के इंक्यूबेटर यार मुझे बेकार लगते हैं, मतलब क्या यार ढंग के बंडल तो आते नहीं है। सबसे बढ़िया रहता है अपने गन स्किन के इंक्यूबेटर, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर आएगा ना वो यार गन स्किन बेस्ड होने वाला है। अब ज्यादातर बंदों को कन्फ्यूजन ये है कि जो अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर होगा उसमें नई गन स्किन आएंगी या पुरानी कोई गन स्किन का इंक्यूबेटर रिटर्न आने वाला है। गाइस जो यहाँ पर दोनों के ही चांसेस बनने हैं, क्योंकि जो अपना इंडोनेशिया सर्वर है ना यार उसमें जो है ना अपने ओल्ड इंक्यूबेटर रिटर्न आया पड़ा है, एक्समेट का पंपकिन वाला, ठीक है। और न्यू इंक्यूबेटर जो होएगा वो यार अपनी ओम स्किन का होगा, ठीक है, ओम गन स्किन का इंक्यूबेटर होगा जो नया इंक्यूबेटर आएगा। तो ये तो इतना कंफर्म है कि जो जो भी नया इंक्यूबेटर आएगा ना वो ओम गन स्किन का होने वाला है। लेकिन जो रेयर रिटर्न आता है अगर यहाँ पे इंक्यूबेटर, तो भाई वो या तो अपनी पोकर एम्पी 40 का या अपनी पंपकिन वाली एक्समेट का हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार जैसा मुझे लग रहा है तो यहाँ पे फ्री फायर वाले यार न्यू इंक्यूबेटर डालेंगे जो कि अपनी ओम गन स्किन का होगा, ठीक है। रेयर इंक्यूबेटर डालने के थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं, तो हो सकते हैं यहाँ पे फ्री फायर वालों का मूड चेंज हो जाए, वो कोई अपना रेयर इंक्यूबेटर को रिटर्न में डाल दे, लेकिन भाई इसके कम चांसेस लग रहे हैं मुझे। बाकी आप बताना यार कमेंट बॉक्स में, आपको कोई रेयर इंक्यूबेटर रिटर्न चाहिए या न्यू ओम गन स्किन का इंक्यूबेटर चाहिए, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन पे, बाकी मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। तो आप लोग भाई देख सकते हो अपनी ओम गन स्किन का इंक्यूबेटर, और इसमें जो है ना कलर वगैरह इफेक्ट एनिमेशन वगैरह आप लोग देख ही पा रहे होंगे, एट्रीब्यूट्स भी यार आप लोग देख लो, मतलब ओम गन स्किन का इंक्यूबेटर तगड़ा होने वाला है, ठीक ठाक है। लेकिन भाई जो अपने रेयर इंक्यूबेटर है ना उनसे तगड़ा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो रेयर इंक्यूबेटर में अपनी पंपकिन वाली एक्समेट की स्किन हो गई, पोकर एमपी 40 हो गई। वैसे ज्यादातर बंदे यहाँ पे पोकर एमपी 40 को ही वोट करने वाले हैं, क्योंकि यार पोकर एमपी 40 कोबरा एमपी 40 इन दोनों की ज्यादा एक्साइटमेंट चल रही है, ठीक है। तो पोकर एमपी 40 रिटर्न आएगी तो बढ़िया रहेगी। बाकी आप सभी को पता ही, जब एक बार पोकर एमपी 40 रिटर्न आई थी तो एक बहुत ही तगड़ा सा ग्लिच हो गया था, मतलब एक ब्लूप्रिंट और एक स्टोन में पोकर एमपी 40 मिल रही थी, तो भाई मैंने तो वहीं से ही लूट ली थी, ठीक है। मतलब ग्लिच में मुझे मिल गई थी पोकर एमपी 40, तो यार मस्त मजा आया था, ठीक है उस टाइम। लेकिन अब देखते हैं भाई क्या होता है, फ्री फायर वाले यहाँ पे अपने ओल्ड रेयर इंक्यूबेटर को रिटर्न डालते हैं या अपनी ओम स्किन के न्यू इंक्यूबेटर को डालते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। तो 10 या 11 दिन वेट कर लो, उसके बाद खुद पता लग जाएगा, ओके। तो चलो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वीपन रॉयल गन स्किन और नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपका नेक्स्ट वीपन रॉयल कौन सा होने वाला है। तो फिलहाल जो वीपन रॉयल चल रहा है वो यार 3 या 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद में हमको एकदम न्यू एंड फ्रेश वीपन रॉयल गन स्किन देखने को मिलेगी, जो कि यार अपने चार्ज बस्टर की होने वाली है, और उसका नाम है लावा लुस्ट रे, तो कुछ ऐसे करके भाई इसका नाम है, और ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब बस एनिमेशन ठीक ठाक है और एटीट्यूड्स वगैरह भाई वही नॉर्मल से, तो मैं तो यार निकालने नहीं वाला हूँ। तो ये अपने नेक्स्ट रीपर रोल होगी, फालतू का टाइम पास आइटम दे दिया है, ठीक है। और भाई अगर बात करें अपने नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल के बारे में, तो भाई आप सभी को पता है 2 या 3 बार तो हमें लगातार मेल बंडल ही दे दिए गए हैं, ठीक है। तो जो अपने नेक्स्ट डायमंड रॉयल में बंडल होने वाला है वो फीमेल का होगा, तो कुछ बंदे तो यार यहीं से मतलब बुरा सा लग गया होगा कि यार फीमेल का बंडल, मुझे ही भाई खुद बुरा लगा कि यार अपना जो नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल है वो फीमेल का हो रहा है, तो बेकार सा ही बंडल होगा ना, सीधी बात है। तो जो नेक्स्ट डायमंड रॉयल में बंडल आने वाला है वो फीमेल का है, उसका नाम है लॉलेस बंडल, एक बैंडेड टाइप का बंडल है, ठीक है। तो देख सकते हो यार आप स्क्रीन पे, और इसकी चुटिया देखो, नीचे लेट रहने के बजाय तो खड़ी है इसकी चुटिया, भाई क्या ही बोलूँ यार, छपरी छपरी से बंडल आ रहे हैं फ्री फायर वाले, और लाइट पास में और तुम्हारे इंक्यूबेटर में तो बंडल समझ लो ऐसे हैं छपरी टाइप के, ठीक है। डायमंड रॉयल तो बहुत दूर की बात हो गई भाई, इलाइट पास में और तुम्हारा इंक्यूबेटर में बेकार बेकार से बंडल आ रहे हैं भाई, निकालने कोई मन नहीं करता। और गाइस कल है 1 सितंबर, जिसमें यार अपने कुछ ओल्ड बंडल जो है ऐड होने वाले हैं, ठीक है। और ये 8 बंडल ऐड होंगे इसमें, तो आप लोग देख सकते हो सोलर कमांडर बंडल है, इसके मेल फीमेल दोनों वर्जन ऐड होने वाले हैं। और उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है एक सिल्वर ईगल बंडल, जिसके मेल एंड फीमेल दोनों वर्जन यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है अपना क्रेजी डीजे बंडल, जिसमें कि यार इसका एक बंडल ऐड होने वाला है, और एक हिपस्टर बन्नी बंडल है, ये भी ऐड होने वाला है फीमेल का। उसके बाद में गाइस अपने डायमंड रॉयल में जो बंडल आए थे स्कारलेट ग्रूम बंडल, ये भी ऐड होने वाला है, ठीक है।
तो ये दोनों फीमेल एंड मेल वर्जन ऐड होंगे, तो ये टोटल 8 बंडल ऐड होने वाले कल को अपने मैजिक क्यूब स्टोर सेक्शन में। वैसे आप लोग बताना यार मुझे कमेंट बॉक्स में आपके पास फिलहाल कितने मैजिक क्यूब पड़े हैं और आप इनमें से कौन सा बंडल निकालने वाले हो, जल्दी बताओ गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए गाइज अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहे गाइज अपने OB36 अपडेट की तरफ से, जहाँ से 4 आइटम निकल के आ चुके हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो ग्रेनेड टाइप का आइटम होने वाला है। अब इसका लुक चेंज कर दिया है, पता नहीं मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ग्रेनेड का लुक चेंज कर दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, या ये कोई नया टाइप का ग्रेनेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में गाइस अपना नया करेक्टर आएगा, जो कि एक कॉमन सी बात है भाई, हर अपडेट में नया करेक्टर आता है, तो इसको छोड़ते हैं। एंड नेक्स्ट जो है अपनी एक न्यू वीपन ऐड होने वाली है, जिसका नाम तो मुझे पता नहीं लेकिन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद में भाई अपने एक नया पैट आने वाला है, जो कि खूंखार सा पैट होगा भाई, तगड़ा सा लग रहा है, लोमड़ी टाइप का पैट है, ठीक है। तो बढ़िया लगा पैट तो यार मुझे। तो ये कुछ अपडेट थे भाई छोटे मोटे OB36 को लेके। यार बहुत सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं वैसे तो, आप सभी को बताऊंगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगली आने वाली वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहे गाइस अपने एक नए कोलैबोरेशन की तरफ से। जैसे फ्री फायर का 5th एनिवर्सरी चल रहा है, ये खत्म होगा, जस्टिन बीबर का कोलैबोरेशन खत्म होगा, तो उसके बाद में गाइस आपको एक न्यू एंड फ्रेश कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, जो कि क्लब अमेरिका के साथ होने वाला है। और इस क्लब अमेरिका में फुटबॉल गेम्स खेले जाते हैं, तो समझ सकते हो गाइस जो भी इसके इवेंट आएंगे ना उनमें आपको फुटबॉल की जर्सी देखने को मिलेंगी। जैसा कि अब यहाँ पे एक लकरोल निकल के आ रहा है, जिसमें कि यार फुटबॉल के जो है ना यहाँ पे बंडल्स होने वाले हैं एंड कुछ जर्सी होने वाली हैं, जो कि क्लब अमेरिका के कोलैबोरेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो समझ सकते हो यार मतलब फुटबॉल गेम्स खेले जाते हैं, तो जो फुटबॉल गेम्स के रिगार्डिंग बंडल्स हैं, जर्सी वगैरह हैं, वो सब तो आपको देखने को मिलेंगे। एंड हो सकता है यहाँ पे कुछ जर्सी वगैरह आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है, फ्री में तो देंगे भाई, ठीक है, फ्री में तो आपको मिलेंगे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। जो आपको डायमंड्स में मिलेंगे वो बढ़िया होने वाले हैं। और जैसे ही क्लब अमेरिका अपना कोलैबोरेशन स्टार्ट होता है, तो आपको एक बार जर्सी रॉयल भी देखने को मिलेगा अपने इंडिया सर में, जिसमें भर भर के जर्सी होंगी। तो अपने इंडिया सर में गाइस ये तब आएगा जब यहाँ पे क्लब अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट होगा। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है इस क्लब अमेरिका के कोलैबोरेशन में, क्योंकि भाई यहाँ पे जर्सी जर्सी आपको देखने को मिलेंगी, और जर्सी आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा रेयर हो जाती है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी कोलैबोरेशन स्टार्ट होने वाला है अपने इंडिया सरों में, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्म डेट नहीं निकल के आई है। जैसे कोई और न्यूज़ मुझे पता लगती है मैं आपके साथ जोर से शेयर करूंगा। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं अपने कोबरा MP40 की कंफर्म इटेंट डेट के बारे में। तो गाइस देखो फिलहाल अपने इंडिया सरों में EVM 87 का फेयर रिव्यू इवेंट चल रहा है, जो कि 4 या 5 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। और यार फ्री फायर के मॉडरेटर बता रहे हैं जैसे EVM 87 का फेयर रिव्यू इवेंट खत्म होता है, तो उसी के बाद ही गाइस कोबरा MP40 का फेयर रिव्यू हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा अपने इंडिया सरों में। तो सिंपली यार आपको 5 या 6 दिन का वेट करना है, उसके बाद में कोबरा MP40 का फेयरवेल इजीली रिटर्न आ जाएगा, मतलब 5 या 6 सितंबर तक, ठीक है। और यार प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे कहा भी था, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक तक वेट कर लो, इजीली कोबरा MP40 का फेयरवेल रिटर्न आ जाएगा। तो सेम यार वैसे ही होने वाला है, और आप 1100 डायमंड खर्च करके इजीली कोबरा MP40 को अपनी ID में निकाल सकते हो। लेकिन गाइस कोबरा MP40 आने से पहले ट्यून्स ऑफ रोज़ेस MP40 की स्किन अपने इंडिया सर्वर में आ गई थी, तो यार बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ट्यून्स ऑफ रोज़ेस वाली MP40 की स्किन निकाली है या आप कोबरा MP40 के लिए वेट कर रहे हो। सो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सो वीडियो जैसे लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।